ये तो बहुत दूर है, एक सेकंड तो पास में ना। तो क्या पढ़ना था आज? क्या पढ़ना था आज, कोई बताएगा? हमें पढ़ना था प्रोजेक्टाइल मोशन ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन देख लिया था, हम लोगों ने रूफ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी देख लिया था, राइट? रूफ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देख चुके थे हम लोग। अब हम देखेंगे रूफ, ये तो पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे किसी इस सॉरी इस रूफ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? हमने क्या देखा था थ्योरी में, एक बार फटाफट बता देता हूं। अगर हम रूफ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं चीजों को, अगर हम रूफ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तो क्या होता है? क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी सारी की सारी हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हम ऑलरेडी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जानते हैं, हम ऑलरेडी इसका टकराते हुए वीवाई का फॉर्मूला जानते हैं। टाइम कितना होगा? अंडर रूट 2h/g। वीवाई कितना होगा? अंडर रूट 2gh, ठीक है? ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी जानते हैं। वीएक्स चेंज होगा नहीं, यू के बराबर होगा, ये भी पता है, इसलिए रेंज भी निकाल सकते हैं, यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट ऑफ 2h/g। वीवाई पता है, वी निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है? समझ में आई बात? अगर इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चाहिए तो क्या निकलोगे? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? हम ये वेलोसिटी का डायरेक्शन टेन थीटा भी निकाल सकते हैं आराम से, तो ये सब कुछ हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। एक और चीज़ हमने देखी थी एनर्जी की, कि एनर्जी का यूज करके हम डायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल करके, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। इससे हमने हमने देखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, फिर से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हमने ये देखा था कि ये आंसर वही है जो कि हमारे इस केस में आता है, अगर हमने h हाइट से पार्टिकल को नीचे फेंका है वेलोसिटी u से, तो टकराता कितने वेलोसिटी से? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh से। वही आंसर यहाँ पे भी आया। अगर पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी यू से, तब भी नीचे कितने वेलोसिटी से टकराएगा? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्यों? क्योंकि इन हर केस में, इन सारे केसेस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सेम है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होने का मतलब सबकी स्पीड भी सेम होगी, ठीक है? तो अब क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करिए इसको, या ये आप लोग सॉल्व कर चुके थे ना, मेरे को बताना था एक बार क्या है। एक टावर है जिसकी हाइट 80 मीटर है, इसके टॉप से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को फेंक दिया है। हमसे हमें इस बॉल के मोशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे, हमें उन सबके आंसर देने हैं। हमें पता है कि जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इस तरीके से आगे के टकराएगा। ये पाथ कैसा होगा? दिस पाथ विल बी, पाथ का नाम क्या होता है इसका बताइए तो? पैराबोला पैराबोला होगा पाथ, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा ही पाथ कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है, ठीक है? अब पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फर्स्ट पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का हमला आंसर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 × 80/g, को मैं 10 ले रहा हूँ तो ये आ गया 4 सेकेंड्स। सेकेंड पार्ट रेंज, तो रेंज कितना होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 4 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। थर्ड पार्ट
वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 80, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी विद विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब वो हो जाएगा फोर्थ पार्ट में, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स कितना है u के बराबर, दैट इज 30 स्क्वायर प्लस वी वाई है 40, तो 40 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड। फिफ्थ, एंगल एट विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, हमें ये एंगल बताना है, ये वाला एंगल थीटा बताना है, हमें मालूम है इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वी एक्स, हमें मालूम है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई, हमें ये एंगल थीटा निकालना है, तो क्या बोलेंगे फिफ्थ पार्ट का आंसर, अच्छा फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, दैट इज इक्वल टू वी वाई है 40 और वी एक्स है 30, दैट इज इक्वल टू 4/3, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्रीज। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था, तुरंत फटाफट सॉल्व हो गया, है ना, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। आसान है ना ये तो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग फटाफट। सर 20 सेकंड्स आ रहा है। यस सर 20। देखो भाई क्या है, एक एरोप्लेन है, अपनी ड्राइंग इतनी है, ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन ग्राउंड से 1960 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है विद वेलोसिटी 360 किलोमीटर पर आ रही, तो बहुत ही कम स्पीड है, बट कोई बात नहीं। व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट ए के वर्टिकली अबव है, इट ड्रॉप्स अ बॉम्ब, ये बॉम्ब को ड्रॉप करता है, ओके एक बॉम्ब है जिसको ड्रॉप कर देता है, द बॉम्ब स्ट्राइक्स अ पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड, देन टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड क्या होगा, बॉम्ब क्या होता है, देखो जब इसको रिलीज करेगा बॉम्ब को, तो बॉम्ब के पास उतनी वेलोसिटी होगी जितनी एरोप्लेन के पास थी, मतलब बॉम्ब के पास इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ 360 किलोमीटर पर आर, जिसको आप 100 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो, ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉम्ब आगे जा रहा है, ये जाके यहाँ पे ऐसे जा करता है पॉइंट बी पर। नाउ देन द टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड, तो इस बॉम्ब को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, मतलब हमें डिस्टेंस ए भी नहीं निकालना, हमें सिर्फ टाइम निकालना है, तुम क्या बोलेंगे टाइम निकालने के लिए, हम टाइम निकालने के लिए बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू, देखिए सीधी सी बात है बॉम्ब के पास सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, तो टाइम के लिए हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, that is equal to under root of 2 into 1960 upon g. अब यहाँ पर g क्या डाला जाए जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो, मैं बता रहा हूँ आपको 9.8 डालना है यहाँ पे, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा होगा 1960 को 9.8 करेंगे तो आंसर कुछ अच्छा सा आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400, दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। देखो g की वैल्यू वैसे मैंने बोला था मैं हमेशा क्लास में 10 लूंगा, बट कुछ क्वेश्चंस में डेटा देख के समझ में आया था कि क्वेश्चन चाहता है ये 9.8 लेना, घर पे सॉल्व करने में यही एक फर्क रहता है, एग्जाम में बात बहुत क्लियर है, एग्जाम में आपको g की वैल्यू हमेशा 9.8 लेनी है, अंटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशनड है, ठीक है। फिर भी कभी कभार आप देखोगे कि ऑप्शन 9.8 लेने से कोई मैच नहीं कर रहा है, तो उसके इसमें 10 ऑप्शन को g की वैल्यू 10 लेके ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। कॉपी हो गया? यस सर। नेक्स्ट, इन प्रीवियस प्रॉब्लम व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉम्ब एज सीन फ्रॉम द एरोप्लेन, एरोप्लेन से देखने पे इस
बॉम्ब का पाथ कैसा नजर आएगा बताएगा कोई? सर वर्टिकल डाउन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का सेम है। देखिए इस प्लेन की हॉरिजॉन्टल, प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। हम अज्यूम कर रहे हैं प्लेन एक्सेलरेट नहीं किया, प्लेन अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा। तो प्लेन के हिसाब से प्लेन की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और बॉम्ब की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम टू सेम है, इसलिए प्लेन के हिसाब से बॉम्ब हमेशा प्लेन के जस्ट नीचे रहेगा, स्ट्रेट नीचे रहेगा। इसलिए प्लेन को इसका मोशन कैसा नजर आएगा? इसका मोशन नजर आएगा स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? अगर आप प्लेन से देखोगे तो बॉम्ब हमेशा आपको जस्ट नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ही प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम टू सेम है। सेम चीज देखने को मिलेगी अगर आप ट्रेन से किसी बॉल को ड्रॉप करोगे तो। आप बोलोगे सर ऐसा होता नहीं, सर बॉल तो पीछे रह जाती है। उसका कारण है एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता और आप ट्रेन से किसी बॉल को ड्रॉप करते तो आपको दिखता बॉल सीधे नीचे गिरी, ठीक है, चलती हुई ट्रेन से। कॉपी हो गया? यस सर कॉपी। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। सर 15th फ्लोर। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? दो बिल्डिंग सामने सामने एकदम आइडेंटिकल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। इस बिल्डिंग का नाम दे देते हैं ए, इस बिल्डिंग का नाम दे देते हैं बी। बिल्डिंग ए में एक लड़का रहता है, मान लेते हैं उसका नाम है बंटी, ठीक है। बिल्डिंग बी में एक लड़की रहती है, उसका नाम मान लेते हैं ब्यूटी, ठीक है। बंटी क्या करता है? बंटी को ब्यूटी को मैसेज भेजना है। फोन वोन नहीं है, व्हाट्सएप नहीं कर सकता, टिकटॉक के वीडियो तो बिल्कुल नहीं बना सकता। क्या वैसे ही बैंड है वो, ठीक है। चलो तो बंटी क्या करता है, एक पत्थर में एक पेपर पे चिट्ठी लिखता है, उस चिट्ठी को एक पत्थर में रैप करता है और उस पत्थर को यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंकता है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये पत्थर सीधे ब्यूटी की खिड़की में ऐसे घुस जाता, ठीक है। बोला है कि अगर ये 20th फ्लोर पर रहता है तो ये कौन से फ्लोर पर रहती है, अगर हर एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है तो, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे x डायरेक्शन के बारे में पहले बात करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 20 मीटर। तो x डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही थी। x का मतलब हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, y का मतलब वर्टिकल अपवर्ड ले रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन इज सिंपली दिस डिस्टेंस दैट इज 20 मीटर। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज टाइम इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन 10 मीटर पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में पत्थर यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? अब
टाइम पकड़ में आ गया, बोला था ना हमेशा सबसे पहले किसको पकड़ना है, टाइम को पकड़ना है। अब वाई डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। वाई डायरेक्शन में अगर देखें तो यू वाई कितना है, जीरो, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी। ए वाई कितना है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। टाइम कितना मिला है, 2 सेकेंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 मीटर्स। एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन आ जाएगा माइनस 20 मीटर। इनफैक्ट माइनस 20 मीटर, मतलब ये नीचे आ गया है कितना, 20 मीटर। एक फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 मीटर, तो कितना फ्लोर नीचे चला गया, 5 फ्लोर नीचे चला गया। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20th फ्लोर माइनस 5 फ्लोर, दैट इज इक्वल टू 15th फ्लोर। समझ में आई बात। सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया, 20 मीटर नीचे जाने का मतलब कितना नीचे जाएगा, 5 फ्लोर नीचे जाएगा। हाँ, बंटी कौन से फ्लोर में रहता है, 20 मीटर, 20th फ्लोर पे, 20th फ्लोर में, उससे 5 फ्लोर नीचे कौन सा फ्लोर आएगा, 15। बस ठीक, 5। कॉपी हो गया, कॉपी हो गया ना। यस सर, नो सर, रुक जाइए सर, हाँ सर हो गया, आगे बढ़िए। हाँ सर हो गया, एकदम ऐसे चुपचाप बैठे हो, मेरे को लग रहा है मैं किसको पढ़ा रहा हूँ पता ही नहीं, इससे बड़े वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर दूंगा। हाँ तो आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। ओके, तो अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम रूफ एट सम एंगल। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम रूफ एट सम एंगल, देखिए इसमें थ्योरी पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, थ्योरी आपको सारी पता है, इसमें बस क्वेश्चंस करवाने। कोई एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पोस्ट भी किया था जो इसी पे था, और एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे सामने रखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 13 जो क्वेश्चन उसने पोस्ट किया था, बस नंबर्स डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। बोला है अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट 35 मीटर विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। वी नीड टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज V and angle at which ball strikes the ground, ठीक है। क्या बोला गया, देखो छत ले लो, क्लिफ ले लो, कहीं से भी 35 मीटर की हाइट से एक बॉल को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च कर दिया गया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि 37 डिग्री ऊपर है कि नीचे है, बट मैं ऊपर की तरफ मान ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मेंशन होना चाहिए था, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकते इसको, तो हम मैंने इसको ऊपर की तरफ मान लिया 50 मीटर पर सेकंड, 37 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्या होगा, ये बॉल या स्टोन ऐसे जाएगा और यहाँ जाके ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, हमें इसका रेंज बताना है, हमें टकराते हो इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बतानी है, हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी, वेलोसिटी जो ओवरऑल वेलोसिटी इससे टकराएगा वो बतानी है, हमें एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब ये एंगल थीटा भी बताना है, है ना। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको देने हैं, क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें मालूम है कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है,
इसलिए सबसे पहले तो मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेता हूँ सो दैट मैं एक्स को और वाई को सेपरेटली हैंडल कर पाऊँ। ये जो 50 मीटर पर सेकंड है इससे मैंने वी एक्स निकाल लिया, इससे मैंने वी वाई निकाल लिया, यू वाई यू एक्स और यू वाई निकाल लिया। यू एक्स कितना हो जाएगा 50 कॉस 37 डिग्री। अब कॉस 37 डिग्री होता है 4/5, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, और 50 साइन 37 डिग्री हो जाएगा 50 इंटू साइन 37 डिग्री होता है 3/5, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तो सब लोग कर सकते हो, 37 डिग्री की वैल्यू सबको मालूम है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा 37 डिग्री भी सबको पता है, आया ना? देवांशु मुखर्जी कहाँ चले गए? हाँ यस सर पता है, सबको पता है। ओके तो हमने कंपोनेंट्स कर लिए। अब बोले देखो वाई डायरेक्शन का मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं वाई डायरेक्शन को पहले हैंडल करूंगा, उसका यूज करके टाइम निकालूंगा। तो पहले मैंने बात करी वाई डायरेक्शन के बारे में। वाई डायरेक्शन में मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स बोल रखा है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को वाई बोल रखा है। वाई डायरेक्शन में यू वाई कितना है कोई बताएगा मेरे को? सर कोई फिर गाना बजा रहा है। हाँ बेटा मिस्टर देवांशु। हाँ कोई मुझे बताएगा यहाँ पर यू आई कितना है? 30 meters per second. ay कितना हो जाएगा? -10 meters per second square, क्योंकि g के बराबर है basically, downward direction में है ना। displacement along y direction कितना होगा? -35 meters। ठीक है, क्या मैं इसका यूज करके टाइम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। s is equal to ut plus rt square formula हम अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? -35 = 30t - 5t square। ठीक है, this implies 5t² - 30t - 35 = 0। This implies t² - 6t. नीचे कीजिए सर बेटा। हाँ ठीक है, t² - 60 - 7 = 0। This implies क्या हो गया? t - 7 × t + 1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा time is equal to -1 second। और यहाँ से जाएगा टाइम इज इक्वल टू 7 सेकंड। माइनस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्या बचेगा? दिस इंप्लाइज टाइम इज इक्वल टू 7 सेकंड। तो 7 सेकंड तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, स्टोन हवा में रहेगा 7 सेकंड। ठीक है, अब इसकी रेंज पूछी गई है, तो एक्स डायरेक्शन से तुरंत रेंज निकल जाएगा। रेंज इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एक्स है 40, टाइम ऑफ फ्लाइट है 7 सेकंड्स। 40 × 7 = 280 meters। ठीक है, अगर मुझे vy निकालना है, अच्छा इसको छोड़ो, vy निकालना है तो vy क्या हो जाएगा? vy निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि हमें टाइम भी पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता है। vy निकालने के लिए हम vy² = ui² + 2aysy भी लगा सकते हैं, चाहे तो v = u + at भी लगा सकते हैं, और vy = ui + 2ay × t भी लगा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लगाओगे आंसर मिल जाएगा। मैं ये सेकंड वाला लगा रहा हूँ। दिस इंप्लाइज वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है बेटा? यू वाई है 30 + 30 टू ए वाई मतलब -20 × 7 = 7 का है, हाँ इंटू सेवन सेवन सेकेंड मतलब -140 - 110 ना, -110 meters per second, ये वी वाई हो जाएगा। अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास 110 आएगा। क्यों? क्योंकि वीआई का स्क्वायर मिलेगा आपको, उसमें से बेसिकली प्लस माइनस 110 आएगा, आपको उसमें से नेगेटिव वाला आंसर सिलेक्ट करना होगा, आप पॉजिटिव वाला आंसर सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत? वीआई आ गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया। अब फोर्थ पार्ट में वी पूछता है, तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एक सेकंड बेटा, प्लस टू ए वाई टी कहाँ से होगा? प्लस ए टी होगा ना, वही तो क्या चल रहा है यहाँ पे, हो जाएगा -40 meters per second। ठीक है, ठीक है,
तो v जगह अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40 रूट 2 मीटर्स पर सेकंड. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? फिफ्थ पार्ट, एंगल एट विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड. देखो भैया, जब बॉल ग्राउंड से टकरा रही है उस वक्त इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 है, वर्टिकल वेलोसिटी भी 40 है, तो एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? एंगल कितना हो जाएगा? वर्टिकल भी तो 40 है. हाँ, तो दोनों 40-40 तो कितना होगा एंगल? 45 डिग्री तो हुआ, और क्या? 45 डिग्री. वही आंसर. सर, माइनस 45 नहीं लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे. ऐसे में सिर्फ मैग्नीट्यूड आंसर करते हैं. ठीक है, ठीक है सर. चलो कॉपी कर लो सब लोग. तो जिसने वो डाउट पूछा था उसका वो सर हम हाँ तो सॉल्व हो जाएगा आपका सुभान एकदम सर. सर इस केस को ग्राउंड टू ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्टाइल में तोड़ के नहीं कर सकता है. मैं बेवकूफ दिखता हूँ आपको कि मैं ऐसा काम करूंगा? रेफरेंस बुक में देखे थे. उस रेफरेंस बुक को आग लगा दो. ठीक है. जो रेफरेंस बुक ऐसी चीज पढ़ाए उसको आग लगा देनी चाहिए. समझ में आए बात? कौन रेफरेंस बुक है सर? पैसा वेस्ट हो जाएगा. पैसा वेस्ट नहीं हो जाएगा, जीवन बच जाएगा. ठीक है, क्या रेफरेंस बुक क्या है? हाँ, अरे भाई सच बोल रहा हूँ, ऐसी किताबें पढ़नी नहीं है. बहुत फालतू फालतू किताबें आती हैं 11 12th में. सर एसएलओआर ठीक है? एसएलओआर ठीक है. अब हो सकता है अगर उसमें ऐसी गलती हो तो कहने का उसको इग्नोर करो. मैं बता रहा हूँ आपको ये चीजें, जो ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो इजिएस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट फंडामेंटल मेथड्स है. ठीक है, और सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है. ठीक है, इसके अब वो यार आई कांट. अगर कोई कोई टीचर, मुक्त तो दूर की बात है, अगर कोई टीचर इस मोशन को तोड़ के सॉल्व करा रहा है ना, तो मैं मतलब उस मैं बोलूंगा उसके उसे टीचिंग का लाइसेंस ले लेना चाहिए. उसको टीचिंग कभी अलाउ नहीं होनी चाहिए. बुक लिखना तो पता नहीं कैसे अलाउ कर दिया. समझ में आई बात? मतलब इतना ज्यादा गलत है वो तरीका, इतना ज्यादा गलत है कि क्या बताएं. अब देखो, हो सकता है किसी किताब में सब कुछ सही हो, एक क्वेश्चन को गलत तरीके से करो, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई भी सही बुक उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को वैसे टुकड़ों में तोड़ के करेगी. आगे बढ़े. यस सर. तो देखो फिर हटा रहा हूं. फाइंड वेलोसिटी एंड एंगल एट विच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड. क्वेश्चन में दे रखा है इस हाइट h से वेलोसिटी u, एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया गया. जब ये ग्राउंड से टकराता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और ये कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा, मतलब ये वाला एंगल आपको लेट से अल्फा बताना है. अल्फा कितना होगा और टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी. देखो ओरल क्वेश्चन है, एक लाइन का. सर tan इनवर्स ऑफ u sin थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा, मतलब sin थीटा माइनस. बिल्कुल गलत है. देखो
सबसे पहले तो v निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, इसमें किसी को आपत्ति है? हाँ नहीं 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 कोई आपत्ति नहीं है, ओके तो v आ गया। इसका ux कितना है, u cos थीटा है कि नहीं है, है ना? तो यहां पर भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा है, ठीक है? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा, हाँ या ना? यस सर, लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन v, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स u cos थीटा अपॉन v इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। आया आंसर कि नहीं आया एक लाइन में? ये आ रहा है। हां ये एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया? समझ में आ गया। हां हां देखो जरूरी नहीं है कि आप हर बार एंगल निकालने के लिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी और x डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज करो, नेट वेलोसिटी और x डायरेक्शन की वेलोसिटी भी यूज कर सकते हो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं क्योंकि दूसरा तरीका इसका ये हो जाएगा कि vx इज इक्वल टू u cos थीटा, फिर आप वीवाई भी निकाल सकते हो y डायरेक्शन के इक्वेशन लिख के, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy लगा के आप लिख सकते हो vy इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू vy बाय vx दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन u cos थीटा। ये भी आंसर सही है, ठीक है? बट इसमें मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अल्फा निकल गया और यहाँ पे अल्फा नहीं निकला, है ना? जैसे यहाँ cos अल्फा निकला है, tan अल्फा निकला, दोनों बात तो बराबर ही है ना? समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? ये और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्या हमारे पास दोनों मेथड हैं, दोनों पता होने चाहिए। टैन अल्फा भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, कॉस अल्फा भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हर बार वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए या वेक्टर का एंगल निकालने के लिए आप उसमें टैन अल्फा की ही ढूंढो, आप कॉस अल्फा और साइन अल्फा भी ढूंढ सकते हो, ठीक है? बस इतना होश रहना है। देखो भाई, फर्स्ट वाला मेथड एक्सप्लेन करना सुबह है ना, सेकंड वाला मेथड? सेकंड। देखो यार, सेकंड दो मेथड जो मैं बार बार करवा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर u cos थीटा था, यहाँ पर भी u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन मैंने इक्वेशन लिख दी vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2aysy, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है? तीसरा जगह vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy कितना है, u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ay कितना है माइनस g, sy कितना है माइनस h, तो 2ay sy कितना हो जाएगा 2gh, ठीक है? इससे आपका vy आ गया अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अब आपको vx पता है, vy पता है, तो tan अल्फा तो निकाल ही सकते हो ना? अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगर प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड एंगल पे फेंका जाए तब भी कोई खास फर्क क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप ये वाला एग्जांपल खुद से सॉल्व कर लेंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, अभी कभी सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करें क्या? हाँ करिए।
40 हाइट है, 30 बेटा थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे हाइट जो 30 मीटर दे रखा ना उसको 80 मीटर कर लो, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो मिस प्रिंटिंग है, वो 30 नहीं है, वो 80 है। ठीक है, थीटा 37 डिग्री आता है, थीटा ठीक है 37 डिग्री, ये हाइट 80 है। सर रेंज 80 आ रहा है। सौहार्द आपका, हाँ सर 80 मीटर आ रहा है। हाँ सौहार्द आपका आंसर गलत है। आपने क्या किया है ना, इसको इसकी वेलोसिटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल है उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मान के आपने सॉल्व कर दिया। आपने UI को -30 की जगह +30 ले लिया, इसलिए आपका आंसर 320 मीटर आ रहा है सौहार्द जी। ठीक है, यही किया ना आपने? यस सर। क्या होगा, इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा 50 cos 37 डिग्री 40 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, नाउ अब y डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। uy इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकंड, ay इज इक्वल टू -g दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, sy इज इक्वल टू -h दैट इज इक्वल टू -80 मीटर। इसे हम टाइम निकाल लेंगे, सॉल्व करोगे तो विल का टाइम t इज इक्वल टू -6 सेकंड्स और t इज इक्वल टू +2 सेकंड्स। कौन सा आंसर सेलेक्ट करेंगे? +2 सेलेक्ट करेंगे, -6 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, टाइम आ गया तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू ux कितना है 40, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 दैट इज इक्वल टू सही से -6 से -8 आएगा ये। ठीक है, 14 into 2 is equal to 80 meters. ये आपका आंसर। ठीक है, कॉपी हो गया? यस सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म, मतलब कोई मूविंग प्लेटफॉर्म से बॉल को फेंक रहा है, कहने का मतलब चलती हुई ट्रेन से फेंका, ठीक है, ट्रक के ऊपर खड़ा होकर फेंक दिया। ठीक है, तो उस केस में प्रोजेक्टाइल की मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा, समझाने के लिए यहाँ डायग्राम बना रखा है कि एक आदमी है जो मान लेते हैं इस ट्रक के ऊपर खड़ा होके प्रोजेक्टाइल फेंक रहा है और दूसरा आदमी भी ग्राउंड पे खड़ा होकर इसको देख रहा है। ठीक है, तो पहले केस में हमने देखा कि जो ए है इसने बॉल को सीधे ऊपर फेंका जबकि ट्रक आगे जा रहा है वेलोसिटी वी से। तो अगर ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए को क्या देखेगा, ए की जैसे जब मैंने आपको बताया था ना बलून वाला क्वेश्चन कराया था, बलून से अगर किसी चीज को फेंकोगे तो बलून की वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। कराया था कि नहीं कराया था? यस सर। वही हाल यहाँ पे, अगर हम इस ट्रक के ऊपर खड़े होकर इस बॉल को फेंक रहे हैं तो ट्रक की वेलोसिटी इस बॉल की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ट्रक की वेलोसिटी अगर आगे की तरफ वी है तो इसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी ऊपर की तरफ, यू तो हम दी ऊपर की तरफ, यू तो ए ने दी है,
साथ ही साथ क्योंकि ट्रक से फेंका जा रहा है इसके पास आगे की तरफ वेलोसिटी वी भी आ जाएगी। ठीक है, अगर ए से पूछा जाएगा तो ए क्या बोलेगा, अरे यार बॉल मेरे तो हमेशा सीधे ऊपर ही रहती है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ए का और बॉल का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम टू सेम रहेगा, तो हमेशा ही ए को बॉल अपने वर्टिकली ऊपर दिखेगी। ए के अकॉर्डिंग बॉल सीधे ऊपर जाती है, वापस नीचे आ जाती है, बॉल ए के हाथ में, कोई दिक्कत उसे नहीं होती। पर यहाँ जो दूसरा लड़का बी बैठा है, हमें मेनली इसके रेफरेंस में बात करनी है, क्योंकि हम जनरली बात किसके रेफरेंस में करते हैं, ग्राउंड के रेफरेंस में बात करते हैं। तो अगर हम ग्राउंड के रेफरेंस में बात करेंगे या अगर हम ए बी के हिसाब से बात करेंगे तो बी क्या बोलेगा, बॉल के पास आगे की तरफ वेलोसिटी वी है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी यू है, इसलिए बॉल इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉल्व आप आराम से कर सकते हो क्योंकि आपको एक्स डायरेक्शन का की वेलोसिटी पता है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, तो आपको कोई खास दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, केस टू। केस टू में इस लड़के ने वेलोसिटी यू से बॉल को थीटा एंगल में फेंक दिया। ठीक है, अगर थीटा एंगल में बॉल को फेंका गया है तो बी को क्या नजर आएगा? ए के अकॉर्डिंग तो सीधी सीधी बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा दिया इसने ए ने, और वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा दिया। पर क्योंकि ये ट्रक के ऊपर खड़ा था, ट्रक आगे जा रहा है वेलोसिटी वी से, तो उसके पास आगे की वेलोसिटी में वी ऐड हो जाएगा, तो इसकी आगे की रेफरेंस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी प्लस यू कॉस थीटा। ठीक है, बॉल का बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बी बॉल का मोशन क्या हो जाएगा, आगे की तरफ v प्लस यू कॉस थीटा और ऊपर की तरफ u साइन थीटा। इन दोनों वेलोसिटीज का यूज करके आप इस बॉल के मोशन को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सर एक बार केस वन पे ले आइए ना, वो नहीं लिखे थे। क्वेश्चन हो गया थोड़ा डिफिकल्ट। बेसिकली इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उस प्लेटफॉर्म की, जिस भी प्लेटफॉर्म से बॉल को फेंका जा रहा है, ग्राउंड से देखने पर उस प्लेटफॉर्म की इनिशियल वेलोसिटी, उसे प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी को आप बॉल की इनिशियल वेलोसिटी में ऐड कर दोगे, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी में ऐड कर दोगे। ठीक है, जिस मोमेंट पे प्रोजेक्टाइल फेंका गया है प्लेटफॉर्म से, उस मोमेंट पर प्लेटफॉर्म की जो भी वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी को आप बॉल की वेलोसिटी में या प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी में ऐड कर दोगे, और एडिशन इस बार वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है सर, हो गया कॉपी। इसमें क्या होगा सर? v माइनस u cos थीटा हो जाएगा। तो b के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बॉल के पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ से यू साइन थीटा रहेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी माइनस यू कॉस थीटा हो जाएगी, वी माइनस यू कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ ना, कर लो फटाफट कॉपी। सर कर लिया कॉपी, नेक्स्ट इसको देखेंगे फिर। इसमें क्या होगा, u sin थीटा प्लस v, बॉल की वेलोसिटी आगे की तरफ u cos थीटा रहेगी, ऊपर की तरफ u sin थीटा प्लस v रहेगी। ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा। सर
सर एक बार केस थ्री दिखाई, यानी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ सर ले लिए। इसका भी ले लो। लिख लिया सर। ठीक है तो नोट अब हो गया। देखो अब कुछ मिसलिनियस एग्जांपल्स हैं। थ्योरी इस चैप्टर की खत्म हो चुकी है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी खत्म हो गई है। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स बाकी। अच्छा एक चीज बाकी है थ्योरी में, वैसे उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। वो मैं कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, और अभी कराऊंगा, पर पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे बन जाएं। तो एग्जांपल नंबर 6 देखिए, एक से एक एग्जांपल हम ग्रुप में पोस्ट किए, ठीक है। पहले इसको इसको सॉल्व करिए। सर 45 डिग्री। सर 45 डिग्री वाला। सर 45 डिग्री। सर 60 डिग्री। हमारा 60 डिग्री मन। बताओ और लोग भी बता सकते हैं। चर्चिल, आर्यन, रामायणी, क्या होना चाहिए आंसर? मैक्सिमम तो 45 डिग्री होते हैं। सर 45 डिग्री पे आएगा। देखो भाई, थ्री प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन एट एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल सच दैट दे ऑल हैव सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। समझ में आई बात? जो 45 डिग्री था ना उसमें था सेम वेलोसिटी, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं था, ठीक है? Yes. समझ में आया? यहाँ बोल रहा सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए सबकी। तो अगर सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो रेंज कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को? सर रेंज तो होता है सर UX हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? आया ना? आपका वीडियो पॉज हो। तो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट हैज टू बी मैक्सिमम, क्योंकि यूएक्स तो सबका सेम है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू यूआई बाय जी। Yes, sir. So, time of flight maximum कब होगा? If UI is maximum. इनमें से जिस केस में y direction की velocity maximum है, उसी केस में range maximum होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात समझ में? आ गई सर समझ में। तो हम projectile को फेंकने की कोशिश करते हैं अलग अलग एंगल पर, सच दैट हर केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर केस में सेम होना चाहिए। तो एक बार मैंने फेंका बॉल को 30 डिग्री के एंगल पे, ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स, हाँ यूएक्स सबके लिए सेम है। एक बार फेंका मैंने 45 डिग्री के एंगल पे, एक बार फेंका मैंने 60 डिग्री के एंगल पे। समझ में आई बात? अब आप ही मुझे बताइए इन तीनों में से किस केस में VY अलग सबसे ज्यादा है, UY सबसे ज्यादा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री या सर 60 डिग्री, क्योंकि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें। 60 डिग्री वाले केस में वर्टिकल कंपोनेंट सबसे ज्यादा है ना? हाँ 60 डिग्री। हाँ UY इज इक्वल टू मैक्सिमम, दिस इंप्लाइज
time of flight is equal to maximum. This implies range is equal to maximum. समझ में आई बात? आया ना? Yes sir. क्या होगा? Yes sir. क्या होगा समझो बात को. मैं तीनों एंगल पे अगर प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूँ, ये ऐसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा और ये ऐसे गिरेगा. ठीक है, तीनों में रेंज अलग अलग आएगा. अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्योंकि तीनों केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है, इसलिए तीनों ही केसेस में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो बॉल्स हैं या जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो सेम वर्टिकल लाइन में रहेंगी. क्यों? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सबका सेम होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा कब तक होगा? तब तक जब तक पहली वाली प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से टकरा ना जाए. ये टकरा गया, इन दोनों का मोशन कंटिन्यू है, दोनों की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, इसलिए थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा ये दोनों प्रोजेक्टाइल्स अभी भी सेम वर्टिकल लाइन में लाई करते हैं. बुक में लिखा है कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, उसमें है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल अटेंड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेंड इज 45. यार सबसे पहले मैंने वही बात कही थी, उसमें कंडीशन क्या होती है, रट्टा मारना बंद करो, कंडीशंस ध्यान रखो. 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, सबसे बड़ा पाप है याद रखना. ठीक है, याद रखना है बट उसके पीछे कंडीशन याद रखनी है. क्या कंडीशन है? सबसे पहला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, दूसरा हर केस में यू सेम है, यू सेम होना चाहिए. यहाँ पे हर केस में यू एक्स सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी नहीं है, हर केस में यू सेम नहीं है, हर केस में यू एक्स सेम है. समझ में आई बात? चलो तो क्या होगा, हमेशा ही जब तक हवा में रहेंगे तब तक क्योंकि सबकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तब तक सबका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. बट क्या होगा, पहली वाली बॉल का 30 डिग्री वाली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगी पहले ही, रुक जाएगी. दूसरी वाली बॉल बाद में रुकेगी और तीसरी वाली बॉल अंत में रुकेगी, इसलिए तीसरी वाली बॉल का रेंज सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, समझ में आई बात? हमेशा बेसिक्स पे ध्यान रखिए, ये जो रिजल्ट्स है ना वो बेसिक्स के बाद आते हैं. अगर बेसिक्स आपके रिजल्ट से डिसएग्री कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट जो आपने याद किया है, जैसे 45 डिग्री एंगल रिजल्ट है, रेंज का फॉर्मूला यूज कर साइन टू थीटा बाय जी रिजल्ट है. बेसिक क्या है? एक्स डायरेक्शन का मोशन, वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ये बेसिक. ठीक है, तो अगर कभी आपके रिजल्ट्स बेसिक से डिसएग्री करें तो मतलब आपके रिजल्ट्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, रिजल्ट्स ही गलत होंगे, आप गलत जगह पर अपने रिजल्ट्स अप्लाई कर रहे होंगे. जो भी फॉर्मूले होते हैं बेसिकली वो रिजल्ट्स होते हैं. ठीक है, समझ में आई बात? वो डिराइव होते हैं, फॉर्मूले हमेशा डिराइव होते हैं ना, तो उनके डेरिवेशन में हमने कुछ अजम्पशन लिया होता है, अगर वो अजम्पशन फॉलो नहीं होगा तो आपके फॉर्मूले किसी काम के नहीं बचेंगे, आपके रिजल्ट्स किसी काम के नहीं बचेंगे. ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ. सर एक मिनट. हाँ सर ठीक है. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ. ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग.
सर 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री सही है, सेम लगेगा सर उसको। कर देखो भाई, सर 30 डिग्री रेंज क्या होता है, 2 ux uy by g, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, रेंज इज इक्वल टू ux into time of flight, दोनों में से किसी से भी जा सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है, आपको दिया गया है they all have same vertical velocity, मतलब सबकी सबका ui सेम है, तो सेम ui मतलब सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, एज टाइम ऑफ फ्लाइट का हमला क्या होता है, 2 ui by g, आया ना। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमला होता है 2 ui by g, इसलिए आपका तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। therefore range is equal to maximum for maximum ux, क्योंकि range क्या था, ux into time of flight। आप यहां से भी देख सकते थे ui सबका सेम है, तो 2 ux ui क्या बोलोगे, जिसका ux बड़ा होगा उसका range बड़ा होगा, ठीक है। तो range ux के directly proportional है इस केस में, अगर सबकी सबकी vertical velocity सेम है तो क्या करेंगे, ये मान लेते प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्ट किया है, सच दैट तीनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, मतलब वाई कंपोनेंट तीनों का सेम होगा। एक को प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने 30 डिग्री के एंगल पे, एक को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री के एंगल पे, एक को प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री के एंगल पे, है ना। ये 30 डिग्री वाला एंगल है, ये 60 डिग्री वाला एंगल है, और ये 45 डिग्री वाला एंगल है। अब आप मुझे बताइए, तीनों का वाई कंपोनेंट तो सेम है ना, इसलिए मैंने ये लाइन बनाया, कैसे बनाया, तीनों में से किसका एक्स कंपोनेंट ज्यादा है, तीनों में से किस 30 डिग्री वाले का एक्स कंपोनेंट ज्यादा है, तो क्या लिख सकते हैं, ux इज इक्वल टू मैक्सिमम फॉर 30 डिग्री, दिस इंप्लाइज रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम फॉर 30 डिग्री, आंसर। कोई दिक्कत, इस केस में क्या होगा, अगर हम प्रोजेक्ट तीनों को एक साथ प्रोजेक्ट करते हैं तो क्योंकि तीनों का, अच्छा थोड़े डायग्राम ठीक से बनेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सीधे वर्ड्स में सुन लो, क्योंकि तीनों की वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तीनों की हाइट सेम होगी, तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, पर उसी टाइम में 30 डिग्री वाला जो प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि उसके एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़्यादा है, वो आगे निकल जाएगा, जो 60 डिग्री वाला प्रोजेक्टाइल है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है बेटा।
कॉपी हो गया? यस सर। ओके फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस एंग्री बर्ड एंड दिस पिग। क्या होता है ये एंग्री बर्ड आपके इस दीवार से 20 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये दीवार नहीं है, ये कांच वाला रॉड है जिसके ऊपर ये पिग रेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हमने अच्छा इसकी हाइट भी 20 मीटर दे रखी है, हमने एंग्री बर्ड को 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है एट एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये काम करो 20√2 कर लो इसको, ठीक है। आपको बताना है कि ये पिग कितनी देर तक जिंदा रहेगा, ठीक है। दिस इज योर बर्ड, दिस इज योर पिग। आपको बताना है कि पिग कितनी देर तक जिंदा रहेगा। सर 2 सेकेंड। टू सेकेंड्स नहीं बेटा, देखो सर पिग मरेगा ही नहीं। किसने बोला है आंसर? कौन बोला है आंसर बताएगा? पिग मरेगा ही नहीं। सौहार्द अपने कहा था? हाँ सर। ओके सर नहीं मर पाएगा, 15 मीटर हाइट तक ही जाएगा एंग्री बर्ड। देखते हैं, देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं बोलूंगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 20√2 cos 30 cos 30 डिग्री मतलब 20 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। ओके तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में यू एक्स इज इक्वल टू 20, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 20, इसका मतलब टाइम आ गया 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जाके ये एंग्री बर्ड जाके यहाँ पे टकरा जाएगा, ठीक है। पर हमें देखना है कि क्या ये एंग्री बर्ड पिक को हिट करेगा भी कि नहीं करेगा, तो उसके लिए वाई डायरेक्शन यूज करेंगे। वाई डायरेक्शन में यू वाई कितना है 20, ए वाई कितना है -10, और टाइम कितना मिला है हमें 1 सेकंड। तो इससे हम निकालेंगे दिस इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यू वाई है 20 इंटू टाइम इज 1 प्लस हाफ ए वाई मतलब -5 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज टी इज 1 सो दैट इज इक्वल टू 15 मीटर्स। तो ये तो पिक 20 मीटर के हाइट पे है, तो क्या होगा एंग्री बर्ड इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली इसकी तरफ है, लेकिन क्या होगा ग्रेविटेशन की वजह से ये
यहां जाके हिट करेगा एट हाइट ऑफ 15 मीटर. सो इट लुक्स लाइक कुपिग नहीं मरेगा, है ना. समझ में आई बात. लेकिन अगर आपने एंग्री बर्ड्स खेला है तो इसके क्वेश्चन इसके नेक्स्ट लेवल पे चला था. हालांकि इसे फालतू बकवास कर रहा हूं मैं. मैंने कहा था कि ये जो वॉल है ये ग्लास वाली वॉल है. अगर ये एंग्री बर्ड आके इसे टकराएगा तो ये ग्लास टूट जाएगा, ये पिग गिर के मरेगा. पिग को गिरने में कितना टाइम लगेगा? 20 मीटर के हाइट से गिरने का टाइम निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 2h/g, 2 × 2 सेकंड. तो 1 सेकंड ये, 2 सेकंड ये, टोटल कितना रहा पिक के पास? 3 सेकंड. ठीक है, 3 सेकंड. समझ में आई बात. हालांकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप आंसर क्या दोगे? नेवर, क्योंकि कभी हिट ही नहीं किया. अंटिल अनलेस क्वेश्चन मेंशनड है कि जो जाता है इससे दीवार टूट जाती है, पिक गिर के मरता है, तब जाके वो आंसर बोलोगे. क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि सबने एंग्री बर्ड्स खेला ही हो. आप लोगों ने तो खेला है ना सबने? कोई मुझसे नहीं खेली. कोई बहुत हाँ, कोई बहुत ज्यादा कंसर्न है कि सर ये क्वेश्चन जेई मेन लेवल है कि नीट लेवल है. बेटा देखो, हर एग्जाम में अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. कुछ इजी, कुछ डिफिकल्ट. चाहे आप नीट ले लो, चाहे जेई मेन ले लो, चाहे जेई एडवांस ले लो. नीट और जेई मेन का लेवल मोर ऑर लेस सेम हो गया है. मोर ऑर लेस सेम. जिस साल नीट का लेवल नीट डिफिकल्ट आता है उस बार जेई मेन से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. थिंग इज, जब आप पूछ रहे हो कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से मेरे को कौन, मेरी क्या नीट की तैयारी होगी कि नहीं होगी, मेरी जेई मेन की तैयारी होगी कि नहीं होगी, मेरी जेई एडवांस की तैयारी होगी कि नहीं होगी, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. मैं आपको क्लास में जो सम्स कराता हूँ उसमें 90% क्वेश्चन जेई मेन के लेवल के होते हैं, ठीक है. कुछ क्वेश्चन जेई मेन और नीट के लेवल के होते हैं. जेई मेन और नीट का लेवल ऑलमोस्ट सेम है. कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं जेई एडवांस के लेवल के कराता हूँ रेगुलर क्लास में. जेई एडवांस के लेवल के लिए मैं जनरली लेटर ऑन ऐड करता हूँ चैप्टर खत्म होने के बाद. कुछ स्पेशल लेक्चर्स ले सकता हूँ कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद या एक यूनिट खत्म होने के बाद. कई बार जनरली मैं 3 महीने 4 महीने के बाद ही वो शुरू करता हूँ. क्यों? क्योंकि 3-4 महीने तक किसी का लेवल भी ऐसा नहीं होता कि जे एडवांस के क्वेश्चन वो सॉल्व करे. अगर उसके साथ मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो थोड़ा दिक्कत परेशानी हो जाती है कि सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस हिलता है, ठीक है. थोड़ा एक बार दिमाग खुल जाए चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे चीज़ें समझ में आती हैं, उसके बाद हायर लेवल क्वेश्चन पर जाते हैं. ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, सब फंडामेंटल हैं, सब बेसिक हैं, और सब सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं, ठीक है. अगर आपको जेई एडवांस करना है तो जेई मेन भी करना है, और नीट और जेई मेन का लेवल तो सिमिलर ही है. दूसरी बात, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उससे थोड़ा हायर लेवल तक तैयारी करनी चाहिए. मतलब अगर डिफ़िकल्टी लेवल मान के कोई चीज़ होती है तो डिफ़िकल्टी लेवल अगर आपके एग्जाम में 100 की आती है तो आपको 120 तक की तैयारी करनी चाहिए. 200 की तैयारी नहीं करनी चाहिए, बट 120 की तैयारी करनी चाहिए. सो दैट पेपर अगर आपके साल में डिफिकल्ट आ जाए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. दूसरी बात, अगर आप चीज़ें भूल भी जाओ तो आप एग्जाम के लेवल तक बच जाओ, ठीक है. सर अब हरिहन डीसी पांडे वाला बुक ले लें क्या? डीसी पांडे बुक ले लें आप? अब तो ये खत्म ही होने वाला चैप्टर. हाँ हाँ, आप ले लो, आप ले लो, ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स जिनसे बात हो रखी है हायर लेवल बुक्स वगैरह वो लोग ले सकते हैं, ठीक है. डीसी पांडे मैंने दूसरी बुक बताई थी ना आप लोगों को. डीसी पांडे के चक्कर में क्यों पढ़ रहे? बी एम शर्मा बताया था ना मैंने? नहीं था. बी एम शर्मा बताया मैंने जेई एडवांस के लिए. मैंने नीट के लिए पूछ रहा है. नीट के लिए? हाँ ठीक, नीट के लिए ठीक है. इनफैक्ट मैं बोलूंगा नीट के लिए फिजिक्स सॉल्व करने के लिए आप डीसी पांडे की दो बुक्स आती हैं, एक जेई मेन की आती है एक नीट की आती है, दोनों ले लो. जेई मेन वाले बच्चे नीट भी ले लेंगे, नीट वाले बच्चे जेई मेन भी ले लेंगे, ठीक है. चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं. पांच मिनट और है क्लास में. एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं. मंकी हंटर प्रॉब्लम, ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, इसको हम आज ही सॉल्व करेंगे. क्या है?
ये मान लो एक पेड़ है, इस पेड़ की एक डाल है, बाकी डाल से मुझे मतलब नहीं है, इस डाली से ये मंकी लटक रहा है, ठीक है, यहां पर एक हंटर है जो इस मंकी को एक तरफ डायरेक्टली एम करके बैठा अपनी बंदूक से, ठीक है, सीधे इसकी तरफ एम करता है, लेट से ये वाला एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस लेट से एक्स है, इसकी हाइट मान लेते हैं एच है, बुलेट जब निकलेगी इसके अंदर से तो वेलोसिटी यू से निकलेगी, लेकिन मंकी ने देख लिया कि ये बुलेट चलाने वाला है, इसलिए मंकी तैयार है कि जैसे ये ट्रिगर दबाएगा वैसे ही मंकी डाली छोड़ के नीचे कूद जाएगा ताकि ये मिस कर जाए, और मंकी ने ऐसा ही किया। द मोमेंट हंटर ने ट्रिगर दबाया मंकी ने डाली छोड़ दी। हमारा सवाल ये है कि मंकी का डिसीजन सही था या गलत था? आप एक बार फिर से बताइए सर। क्वेश्चन ये है कि हंटर ने सीधे मंकी को एम करते हुए गोली चलाई और जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया मंकी ने ये ब्रांच छोड़ दी, नीचे कूद गया। आपको बताना है मंकी का डिसीजन सही था या गलत था बुलेट से बचने के लिए? गलत था, वहीं रहता तो उसको नहीं लगता। देखिए क्या है, बुलेट जो है उसका पाथ कुछ ऐसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा बुलेट, हमें ये चेक करना है कि मंकी आके कहीं यहीं आके तो नहीं टकरा जाएगा बुलेट से या नहीं टकराएगा, समझ में आई बात? हमें ये चेक करना है कि मंकी बुलेट के नीचे चला जाएगा, बुलेट की हाइट पे रहेगा या उससे ऊपर रह जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम बोलेंगे टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा x अपॉन यू एक्स दैट इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको y कह देता हूँ तो y कितना हो जाएगा, y का तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज करके, क्या है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना, कोई दिक्कत? दैट इज इक्वल टू x tan थीटा, क्या है यहाँ ट्राइंगल देखिए, ये h था, ये x था, ये थीटा था, है ना, तो x tan थीटा सिंपली h, h माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लेट्स से हमारा जो मंकी है वो यहाँ कहीं आ जाता है, मंकी गिर के यहाँ आ जाता है उसी टाइम पे, इस हाइट को अपन कह देते हैं h डैश। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि h डैश इज इक्वल टू h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर, यस सर, दैट इज इक्वल टू h माइनस हाफ जी टी कितना है x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, फॉर मंकी, गलत कह रहा हूँ? सो दिस इज क्लियरली इक्वल टू एच डैश, हाइट ऑफ बुलेट इज सेम एज मंकी, इसलिए बुलेट मंकी को डायरेक्टली हिट करेगा, ठीक है बेटा? ओके सर। इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखेंगे एक बार रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद, उस वक्त क्वेश्चन ओरल होगा, अभी तो हमें मैथ्स लगानी पड़ी ना, उस वक्त ओरल होगा, इसको कॉपी कर लो। ओके, इसको ऐसे भी देख सकते हो कि हमने जब प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली किसी प्रोजेक्टाइल को अगर आप वेलोसिटी यू से एंगल थीटा पे फायर करते हो तो प्रोजेक्टाइल अपनी स्ट्रेट लाइन जिसमें वो जाना चाहता था, जिसमें वो जिसके लोगों को फायर किया है उससे हाफ जी टी स्क्वायर नीचे जाता है कि नहीं जाता है? ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? यस सर। अब यहाँ मंकी था,
मंकी कितना नीचे गिरेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, और बुलेट भी इस स्ट्रेट लाइन से कितना नीचे रहेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब मंकी और बुलेट को हिट करना ही करना है। समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो इसको कॉपी कर लो, स्कूल के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करोगे। चलिए फिर अभी क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और किसी को डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकता है। अभी क्लास अभी आपकी ओवर है।